कहा जाता है। शव को घर में लाने की खुशी में एक नृत्य गाया जाता है, नृत्य नाचा जाता है। उसी नृत्य को आज हम अपने मुख्य अतिथि के आगमन पर, उनकी स्वागत पर यह सैला नृत्य बहुत ही बड़ी रोमांचक ढंग से पुनः बहुत ही सबसे पहले अतिथि देवो भवा कहती भारत की धरा, अतिथि देवो भवा कहती भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम आपके चरणों को नमन करते हैं और आप सभी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हैं। आइए आपका यह छोटा सा मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक सेवा जोहार करता है। बहुत ही जोरदार नृत्य, यह नृत्य आदि काल से लेकर आज भी जब 258 आदिवासियों का राज था, एक साथ 1750 साल तक के आज भी हमारे लोग अपने हर मौसम में और इसी सीजन में छितकवार माता को काह और मिस के घर में लाते हैं। जब घर में लाते हैं तब उनकी खुशी में, माता की स्वागत में, सैला के खुशी में एक नृत्य गाया जाता है और नाचा जाता है, उसी को सैला कहा गया है। और आज भी हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में यह सैला नृत्य ग्राम कुकरापानी से चलकर आए, मुख्य अतिथि के स्वागत करते हुए एक छोटा सा नृत्य है। हमारे बीच भाई सम्मान्य सुखीराम परस्ते जी, भूतपूर्व सरपंच बाकी मंच में मंचासीन होने की कृपा करेंगे। साथ में हमारे भाई सम्मान्य लालू सिंह बैगा जी, भूतपूर्व सरपंच किसमरगा, मंच में मंचासीन होने की कृपा करेंगे। आपका यह छोटा सा मंच हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक सेवा जोहार करता है। यह सैला नृत्य अलग अलग सीजनों में जो गाया जाता है और नृत्य किया जाता है, और बहुत ही सुचारू ढंग से हमारे लोगों ने आज भी अपनी संस्कृति को, अपनी रीति रिवाज को
अपनी परंपरा को बचा के रखे हैं और इसीलिए हम आदिवासियों के एक अलग पहचान आज भी रही है। हमारे लोगों के पास गीत के माध्यम से, किस्सा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी हमारे लोग आज भी ऐसे ऐसे तंत्र और मंत्र के माध्यम से सांप जैसे जहरीले जो काट देता है उसको गीत और तंत्र मंत्र के माध्यम से आज भी उतार देते हैं। चाहे बिच्छू काटा हो उसको भी गीत के माध्यम से और तंत्र मंत्र पढ़ करके आज भी हमारे लोगों में वो संस्कृति रही है। भौर जैसे एक विशेष मक्खी है जो भौर छाता बना करके रहता है, हमारे लोगों ने आज भी हमारी अपनी रीति रिवाज अनुसार अपनी तंत्र मंत्र और गीत और संगीत के माध्यम से ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जो भौर भी अपना छत्ता छोड़ करके दूर निकल जाता है। ऐसी संस्कृति ऐसे आज भी हमारे में जो शक्ति रही है, हमारे लोगों में आज भी ऐसी शक्ति है जो जहाँ पानी नहीं निकलता वहाँ चित्तावर देव को बढ़ा करके आज भी हमारे लोग सूखे जगह में, चाहे चट्टान जैसे जगह हो, चाहे पत्थर जैसे जगह हो, वहाँ पानी उत्पन्न कर देते हैं। आज भी हमारे लोगों में वो शक्ति और वो तंत्र मंत्र रही है। आज भी हमारे लोगों में ये शक्ति विद्यमान है। हरे पेड़ को सूखे कर देते हैं और सूखे पेड़ को भी हरे कर देते हैं, वो आज भी हमारे लोगों में, आदिवासियों में यह एक विशेष तौर पे गीत और संगीत और तंत्र मंत्र विद्या रही है। वही हमें एक अलग पहचान दिलाती है और आज भी हमारे लोगों ने उसको संरक्षण करके हमारे लोगों में, गाँव में, जंगलों में रहने वाले हम सबने संजो करके रखे हैं। और वही एक नृत्य सैला, यह सैला नृत्य ग्राम कुकरा पानी से चलकर आए अपना नृत्य प्रस्तुति करते हुए मुख्य अतिथि के स्वागत और आप सबके समक्ष सुचारू ढंग से किया जा रहा है। पुनः यही स्थगित कर पुनः अगले मंच में आप अपना कार्यक्रम दिलाएंगे। अभी आपके कार्यक्रम को यही स्थगित करते हैं। हमारे बीच भाई सम्मान्य सुखीराम बर्के जी भूतपूर्व सरपंच बाकी, भाई लालू सिंह बैगा भूतपूर्व सरपंच के स्मरता मंच में मंचासीन होने की कृपा करेंगे। हमारे बीच सम्मान्य मुख्य अतिथि के रूप में तिरुमाल अनिल सिंह धुर्वे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भारत, इनकी स्वागत के लिए मैं चाहूंगा जिला पदाधिकारी हमारे भी सम्मान्य अनार्य अधर्मी डॉक्टर जेलुंगो जी, हमारे अनिल सिंह धुर्वे जी का कुछ गुच्छ और पीला चावल से स्वागत करते हुए आज के इस शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस 166वें बलिदान दिवस में हमारे सम्मान्य मुख्य अतिथि जी का कुछ पगुच और पीला चावल से स्वागत कर आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर पहुंचे हैं। एक बार मैं सभी से गुजारिश चाहूंगा। जिला